दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी हीरोइन है जो एक फिल्म के लिए 317 करोड़ रुपए चार्ज करती है और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कहां पर है? और क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी भी सिटी है जहां के 67 लाख पॉपुलेशन में से 13 लाख लोग गे है और जिसके ऊपर यह जहाँ क्यों आता है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम कुछ भी कैसे भी कहां भी और कौन सा भी काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो दुनिया की सबसे पहली अलार्म घड़ी थी वह केवल सुबह 4 बजे ही बजती थी, मतलब उस घड़ी का टाइम को सेट करने का कोई भी तरीका नहीं था। फैक्ट नंबर 5। आपको समर, विंटर और बरसात इस सीजन के बारे में तो पता ही होगा जो नॉर्मली होते हैं, पर आपको जो पिक्चर दिख रही है यह ऑस्ट्रेलिया के स्पाइडर सीजन की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये बस सारे स्पाइडर वेब है, यानी कि मकड़ी के जाले जो कि पूरे जगह में फैले है। फैक्ट नंबर 4। बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है जो यह फिल्म के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज करती है, लेकिन दोस्तों यह कुछ भी नहीं है क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2020 में दुनिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री सोफिया वेरगारा है। उनकी एक फिल्म की फीस 317 करोड़ रुपए है, मतलब दीपिका पादुकोण के फीस से 24 गुना ज्यादा। फैक्ट नंबर 3। भारत के सबसे बड़े रेलवे लाइन असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में पड़ती है। इसकी लंबाई 4,233 किलोमीटर है। पर क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में है, यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 9,428 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 2। रियो डी जेनेरो ब्राजील में स्थित एक शहर है जो कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 2020 के अनुसार इसकी पॉपुलेशन 67.5 लाख है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि रियो डी जेनेरो की कुल जनसंख्या में से 13 लाख लोग समलैंगिक है, यानी कि गे है। फैक्ट नंबर 1। जब भी वेजिटेबल या फ्रूट का जूस निकाला जाता है तो उसके ऊपर फोम क्रिएट हो जाती है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि दरअसल आज जितने भी फ्रूट और सब्जियों के जूस निकाले जाते हैं वो सब मिक्सर या फिर मशीनों से निकाल जाते हैं। ऐसे में जब जूस निकलते हैं और मोटर घूमती है तो उस जूस में बहुत ही ज्यादा हवा मिक्स होती है और इसी हवा के कारण जूस पर ऐसे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों, आप यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि जल्दी ही हम 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।